Hello everyone, myself Mehboob Alam. I am from Dhanbad, Jharkhand. I am a mechanical engineering graduate and I have past experience in HVAC field in India as well as abroad. Today I am going to cover a very basic topics of introduction and basics of RAC. RAC stands for refrigeration and air conditioning. So let's start. First we have to understand what is the difference between refrigeration and air conditioning, okay? So हमें एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे कि क्या होता है दोनों में, एक्चुअल में सिमिलैरिटीज़ क्या है एंड डिफरेंसेस क्या है, कहाँ पे फंक्शन इनकी अलग हो जाती है. तो लेट स्टार्ट विथ रेफ्रिजरेशन. रेफ्रिजरेशन होता क्या है? रेफ्रिजरेशन होता क्या है कि हमें एक स्पेस में कूलिंग करनी है. स्पेस मीन्स कि एक स्पेस है, यहाँ पर हमें कूल करनी है. कूल करनी है मीन्स कि कूलिंग इज़ अ बेसिक, मीन्स वी कैन से के आपको टेम्परेचर डाउन लाना है. मीन्स कि टेम्परेचर डाउन लाना है कहाँ के, किसके कंपैरिजन में? तो हमारे एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में. जैसे ये हमारा रूम है या स्पेस है, यहाँ पे कूल करना है हमें. एक छोटा सा डब्बा है, इसे कूल करना है. बॉक्स है, इसे कूल करना है. तो इसे कूल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जो हीट एनर्जी है, यहाँ की हीट एनर्जी को यहाँ पर जो इनसाइड क्यू इन है, इसे हमें पम्प करना पड़ेगा. पंप करके क्या करना होगा, बाहर फ्लो करवाना पड़ेगा. मीन्स यहाँ पे से हीट मैंने लिया और पंप करके बाहर कर दिया. तो हीट मैंने यहाँ से फ्लो करवाया तो ऑटोमेटिकली यहाँ की टेम्परेचर डाउन हो जाएगी और यहाँ की टेम्परेचर जो होगी वो डाउन हो जाएगी और यहाँ की टेम्परेचर बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एनर्जी कंजर्व है मेरा, यहाँ से जो मैंने हीट निकाला यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा. मीन्स यहाँ की टेम्परेचर बढ़ जाएगी और यहाँ पे ठंड हो जाएगी. तो ये बेसिकली कूलिंग प्रोसेस है कि आपने टेम्परेचर डाउन लाया. किसके कंपैरिजन में लाया? ये एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में लाया आपने. ये मैंने एटमॉस्फेयर लिया तो इसको अब कूलिंग को मेंटेन करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें इस बॉक्स को इंसुलेट करना होगा. इस बॉक्स को इंसुलेट करना होगा कि ताकि फिर यहाँ की हीट इधर ना चले जाए, एटमॉस्फेयर की हीट इधर ना चली जाए. तो इसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं कूलिंग प्रोसेस. और कूलिंग क्या होता है कि कूलिंग आप काफ़ी अच्छे समझ गए कि व्हाट इज़ कूलिंग. अब इसमें देखना होगा टेम्परेचर रेंज बिलो 5 डिग्री सेल्सियस. जब भी मैं रेफ्रिजरेशन की बात करूँगा तो या तो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना होगा या उससे बिलो मेंटेन करना होगा. वो मेनली हम रेफ्रिजरेशन जो यूज़ करते हैं वो किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, कि वो उसकी लाइफ कुछ बढ़ जाए, कुछ भी मटेरियल की लाइफ बढ़ानी है. जैसे फूड आइटम्स हो गई, पेरिशेबल आइटम्स हो गई, कुछ भी आइटम हो गई, उनको हमको अगर बढ़ाना है तो इसके लिए हम लोग रेफ्रिजरेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं. ओके, अब इसमें एक बात और काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि एनर्जी कभी भी फ्लो करेगी हमारी तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर फ्लो करती है. ये बाई नेचर है, बाई नेचर गवर्न करती है ये. मीन्स कि यहाँ पे हाई एनर्जी है और यहाँ पे लो एनर्जी है, तो हमेशा हाई टू लो जाएगी. तो इसीलिए यहाँ पे मैंने जो बोला था कि यहाँ पे अगर मैं इंसुलेट कर दूंगा तो यहाँ पे जैसे हाइयर एनर्जी है, यहाँ से हाइयर एनर्जी यहाँ पे नहीं जाएगी. ये इसलिए इंसुलेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट कि ह्यूमिडिटी इज़ ऑफ लेस कंसर्न. तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ह्यूमिडिटी होती क्या है. ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. मीन्स कितना वेपर प्रेजेंट है एयर में, इसको, इस पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी. और ह्यूमिडिटी हमारे लिए मैटर नहीं करता है रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में कि हमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है या नहीं मेंटेन करना है. हमें बस कूलिंग करनी है, स्पेस कूलिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है. इन डोमेस्टिक यूज़ आपने मैक्सिमम टाइम देखा होगा घर में जो फ्रिज है उसमें कभी भी आपको ये कंसर्न नहीं करना पड़ता है कि आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है उसमें. ठीक है, अब नो एयर सर्कुलेशन. एयर सर्कुलेशन भी हम नहीं करते. एयर सर्कुलेशन का मतलब हुआ कि इसके अंदर बार बार न्यू फ्रेश एयर अंदर इन्फिल्ट्रेट करना. इन्फिल्ट्रेट करना मीन्स फ्रेश एयर को इसमें डालना. तो ये हमारे लिए ज़रूरत नहीं होती है रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में. और इसका यूजेज जो होता है मेनली रेफ्रिजरेशन प्रोसेस का, ये तो इससे आप अवेयर होंगे. एप्लीकेशन फॉर इन प्रिजर्वेशन, किसी भी चीज़ को संभाल के रखना है, जैसे फूड आइटम्स हो गए. इंडस्ट्रियल प्रोसेस में होती है. ओके, प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर और ये को देखना पड़ता है, मीन्स आपको मेंटेन करना होता है. जैसे हम लोग रैपिडली यूज़ करना है कहीं पे तो ड्राई आइस भी यूज़ करते हैं कि
जैसे सैंपल लेना है, ब्लड लेना है, तो कूल करने के लिए वो अलग प्रोसेस होती है, ड्राई आइस वाली। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट ऑन एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग होता क्या है बेसिकली? एयर कंडीशनिंग दो वर्ड से बना है, एयर, दूसरी है कंडीशनिंग, मीन्स एयर की क्वालिटी को सुधारना, इसको बोलते हैं एयर कंडीशनिंग। और कंडीशनिंग मीन्स कंफर्ट जोन में, हमारे कंफर्ट जोन मीन्स ह्यूमन के कंफर्ट जोन। बेसिकली हम जो एयर कंडीशनिंग का इंस्टॉलेशन करते हैं वो हमारे ह्यूमंस को कंफर्ट देने के लिए करते हैं, और भी काफ़ी एप्लीकेशन है, पर मेन पर्पस हमारा ह्यूमन कंफर्ट जोन में रहना होता है, क्योंकि ह्यूमन के कंफर्ट के लिए हम लोग बनाते हैं एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग में भी कूलिंग होती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि कूलिंग के साथ साथ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी हमारी हीटिंग की, वहाँ पे हम हीट भी कर सकते हैं इसमें। जैसे कि अगर मैं कोल्ड कोल्ड कंट्री में रहता हूँ, वहाँ पे टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर, जहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर घर के बाहर पहले से कोल्ड है, तो वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट थोड़ी ना कोल्ड की होगी, हमें वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी हीट की। मतलब हमारा टेम्परेचर घर का मेंटेन रहे, जहाँ पे हम कंफर्ट फील कर सके। और हमारे ह्यूमन कंफर्ट की जो टेम्परेचर रेंज होती है ना, वो होती है 27-24 डिग्री सेल्सियस से। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर एक एवरेज जो है हमारे लिए 24-27 डिग्री सेल्सियस, और विथ ह्यूमिडिटी होगा 50%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% के आसपास। इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं हम लोग 50%, ये हमने 50% रखा, तो ये हमारे कंफर्ट जोन के बराबर है, जहाँ पे टेम्परेचर पहले से ही 5 डिग्री सेल्सियस है, 6 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे हमें हीट की ज़रूरत पड़ेगी। हीट की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हमें एयर कंडीशनिंग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए एयर कंडीशनिंग में मैंने बोला कि मैनुपलेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग में मेनली इसीलिए बोला कि मतलब यहाँ पे हीटिंग और कूलिंग दोनों हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एयर कंडीशनिंग रेफर्स टू मैनुपलेशन ऑफ एयर टेम्परेचर। एयर को मैं अप या डाउन कर सकता हूँ टेम्परेचर को, ठीक है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मैंने बताया कि ह्यूमन कंफर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ह्यूमिडिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वाटर अमाउंट ऑफ वाटर पर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, जस्ट लाइक रेनी सीजन। अगर आप रेनी सीजन में देखते हैं तो रेनी सीजन में होती क्या है कि टेम्परेचर आपकी 25-26 डिग्री सेल्सियस ही रहती है, लेकिन दिक्कत ये आ जाती है हमारे पास कि ह्यूमिडिटी, वाटर में नमी ज़्यादा रहती है, एयर में नमी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता है। या इन अ हॉट समर सीजन, आपने काफ़ी बार देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक चल रहा है, या लू चल रही है, लू चल रही है, लहर चल रही है, तो लहर चलने के वक्त भी ह्यूमिडिटी काफ़ी कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो आपको ड्राई स्किन होगा, स्किन ड्राई होने लगेगा काफ़ी ज़्यादा, वाटर लॉस होगा बॉडी से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में भी हमें ह्यूमिडिटी ऐड करनी होगी वाटर में। तो इस प्रोसेस को ही एयर कंडीशनिंग बोलते हैं। अब एक पैरामीटर है अकॉस्टिक परफॉर्मेंस। अकॉस्टिक परफॉर्मेंस, अकॉस्टिक मीन्स होती है साउंड, और साउंड और परफॉर्मेंस मीन्स यू नो कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो अकॉस्टिक परफॉर्मेंस मीन्स आप जिस स्पेस में एयर कंडीशनिंग इंस्टॉल किया, जैसे मैंने ऑफिस में इंस्टॉल किया, वहाँ पे इसकी साउंड कैसी है। साउंड मीन्स कि उसको पैरामीटर में नापा जाता है, जिसको डेसिबल स्केल बोलते हैं, साउंड को नापने के लिए पैरामीटर होती है। तो अकॉस्टिक, अगर आपकी एक लिमिटेड परमिसिबल वैल्यू से, मतलब कि आपको अलाउड है 60 डेसिबल, और आपने तो वहाँ पे से साउंड आ रहा है 80 डेसिबल के लिए, तो वहाँ पे दिक्कत आपको ही होगी, वहाँ पे ये दिक्कत आएगी, वहाँ पे आपको काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। वहाँ पे मीन्स मीटिंग चल रही है, अगर हमारा मीटिंग रूम है और साउंड नॉइजी सिस्टम रहेगा, तो फिर वहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो ये सब पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना होगा कि अकॉस्टिक परफॉर्मेंस उनका कैसा है। ऐसे नॉर्मली 20-30 डेसिबल के आसपास रहती है इस वैल्यू को। एयर डिस्ट्रीब्यूशन, एयर डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि रूम टोटली एयर में सर्कुलेट हो रही है कि नहीं, कितनी एयर इसमें रिक्वायरमेंट है और आप उतना सप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि आपके जो रूम में हीट है वो उसको कैरी कौन करेगा, वो एयर ही करेगी। और एयर प्रॉपरली आप एयर का फ्लो नहीं करवाएंगे, एयर को डिस्ट्रीब्यूट सही से नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ पे भी दिक्कत आएगी। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, एयर फ्लो वेलोसिटी। एयर फ्लो वेलोसिटी कैसा है उसका, मीन्स कि हाउ मच, अगर ज़्यादा स्पीड में अगर एयर फ्लो आ रही है तो फिर वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उससे भी काफ़ी दिक्कत होती है, ड्राफ्ट होता है, अलग अलग सिचुएशन होती है, उसकी प्रॉब्लम होती है। और एक नेक्स्ट पॉइंट है जो कि एयर क्वालिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट
पैरामीटर होती है एयर कंडीशनिंग में, मीन्स कि आपको एयर क्वालिटी कैसा आ रहा है। सपोज़ कि एक रूम है, एक रूम है उसमें मैंने एयर कंडीशनिंग इंस्टॉल किया और ये रूम में मैंने डिज़ाइन किया 5 पर्सन्स के लिए और यहाँ पे किसी पार्टी या किसी फंक्शन की वजह से 20 या 30 पर्सन आ गया। 20-30 पर्सन आ जाने के बाद क्या होगा, ये रूम तो पैक है हमारा, इसमें इनफिल्ट्रेशन हो नहीं रही, फ्रेश एयर आ नहीं रहा है और एयर कंडीशनिंग हो रही, तो इस रूम के एयर में जो एयर इस रूम में जो एयर होगी वो उसकी क्वालिटी डिटोरिएट होते जाएगी, वो ख़राब होते जाएगी। वो कैसे होगी, क्योंकि ह्यूमन लेते हैं ऑक्सीजन और रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्सीजन की लेवल इस रूम से कम होते जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ते जाएगी, तो क्या होगा कुछ देर में क्या होंगे कि हमारे हेल्थ इशू आने लगेंगे, जैसे कि हेडेक होगी, फिर उसके बाद किन्हीं को चक्कर भी आ सकता है, मीन्स इसकी हेल्थ इशू आ जाती है जिसको हम बोलते हैं जिसको हमको देखना होता है कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होती है। उसमें फिर हमें फ्रेश एयर की प्रोविज़न डालनी होगी कि फ्रेश एयर इसमें आए, इसलिए ऐसा प्रोविज़न करना पड़ता है। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट, ये हमारी बेसिक डिफरेंस हो गई रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की। अब आते हैं बेसिक टर्म्स में, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है। आपने मैक्सिमम टाइम ये सुना होगा कि हमारी सिस्टम कितनी कैपेसिटी की है, मीन्स आप जैसे कोई भी अगर सामान खरीदते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात करता हूँ मैं, मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें सबसे पहले पूछते हैं कि हमारी मेमोरी कितनी है, रैम कितनी है। सेम अगर रेफ्रिजरेशन की बात करूँगा तो हम कैपेसिटी पूछना होगा, तो हम TR का यूज़ करते हैं कि वो कितना ठंडा कर पाएगा। अब TR को बेसिकली समझते हैं, 1 TR होता क्या है। 1 TR मतलब ये होता है कि अगर मैं 1 TR का फुल फॉर्म होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो टन इसमें बेसिक यूज़ किया मैंने टन, तो टन होता है वेट की केजी, वेट की यूनिट होती है 1000 kg जो हम लोग यूज़ करते हैं। पर ये टन डिफरेंट है, ये जो टन है ना ये डिफरेंट है, ये टन है हम लोग US टन को लेते हैं, मीन्स ये टन नहीं लेते हैं जो SI यूनिट में होती है, ये भी टन नहीं लेते हैं, ये टन लेते हैं। तो 907.2 kg होती है, 907.2 kg को अगर आपको वो पहले से 0 डिग्री सेल्सियस पे है, याद रखना है ये बात, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले से अवेलेबल मैंने कराया, और उसको हमको 24 आवर में, ये भी ध्यान में रखना है कि 24 आवर में हमें उसे कूल करना है, कूल करके बर्फ़ बनाना है। बर्फ़ बनाना है मीन्स उससे हीट लेनी होगी, हीट लेना होगा, तो बर्फ़ बनाने के लिए हीट लेना ही होगा। आपने बेसिक्स स्कूल में भी पढ़ा होगा कि सॉलिड लिक्विड गैस होती है 3 फेज, अगर सॉलिड से लिक्विड में बनाना है तो उसको हीट देना होगा, सप्लाई करना होगा, लिक्विड से गैस में भी देना है तो सप्लाई करना होगा, और जस्ट उसका रिवर्स कि मुझे लिक्विड से सॉलिड में बनाना है तो हीट उससे निकालना होगा, रिजेक्ट कराना होगा। तो अगर 1 टन ऑफ आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पहले से है उसे हमें बर्फ बनाना है, आइस बनानी है, तो और 24 आवर के अंदर में तो उससे कितना हीट निकालना होगा, उसी यूनिट को बोलते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की भी बेसिक यूनिट होती है कि उसको कैसे मेज़र करेंगे, तो इसको बेसिक यूनिट, ये MKS यूनिट होती है, SI यूनिट होती है, तो ये बेसिकली हो गया हमारा पावर के टर्म में कि 3.5 kW मैंने उसमें से हीट निकाल लिया, ये रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर इतना हो गया, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इसका 12,000 BTU/h एंड अनदर इज 3.5 kW, ओके, दोनों यूज होती है। अब आते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, जो कि सबसे कोर हो गई हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें मैं डिस्कस VCRS करूंगा, VARS को बाद में देखूंगा, VCRS इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। VCRS होती क्या है, VCRS का मतलब होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें ये जो सिस्टम है ना, ये मैक्सिमम अभी यही यूज़ होती है हमारे पास, और ये VARS जो है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये फ्यूचर इन फ्यूचर काफ़ी यूज़ होगी, अभी बहुत छोटे स्केल पे यूज़ हो रही है, पर इन फ्यूचर ये इसकी यूजेस काफ़ी बढ़ जाएगी। तो पहले समझते हैं होता क्या है VCRS और VARS। VCRS में होती है बेसिकली अरेंजमेंट होता है, इक्विपमेंट दोनों में सेम होती है, कुछ साइकिल होते हैं दोनों के, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। पर ये जो VARS है ना, ये बेसिकली नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे चलती है, मीन्स कि हमारे सनलाइट को यूज़ कर सकते हैं, लो ग्रेड एनर्जी पे काम करती है, और ये है हाई ग्रेड पे काम करती है, मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर इसमें चाहिए ही चाहिए होगा। इसमें इलेक्ट्रिकल पावर की यूजेज होती है पर वेरी लेस,
वेरी लेस अमाउंट में होती है। तो इसलिए ये हमारे एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम है और ये इन फ्यूचर काफ़ी यूज़ होने वाली है। ओके कमिंग टू नेक्स्ट, के VCRS होती क्या है। VCRS के लिए आप समझेंगे करंट सिनेरियो जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम की VCRS हो, ये मैक्सिमम हर एक जगह यूज़ होती है। ये जो साइकिल है ये अब सिस्टम समझना पड़ेगा मुझे कि एक्चुअल में होता क्या है सिस्टम में। इसमें में अगर बात करते हैं तो 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं। ऐसे कंपोनेंट इसमें और भी होते हैं पर इस सिस्टम को पहले समझने के लिए 4 मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को समझना पड़ेगा मुझे। ये 1, 2 कंडेंसर 2 हो गए, ये एक्सपेंशन डिवाइस 3rd हो गई और ये 4th हो गई। ठीक है, तो इसमें मैंने ध्यान ये देना है कि चारों की हम फंक्शनिंग समझते हैं होता क्या है। पहले जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के बारे में जान लेते हैं कि इसका काम होता है कंप्रेस करना। कंप्रेस करना किस चीज़ को कंप्रेस करना, गैस को कंप्रेस करना। और यहाँ पे गैस कौन सी रहती है, ये रेफ्रिजरेंट होती है, उसको कंप्रेस किया जाता है। तो ध्यान ये रखना है कि कभी भी जो कंप्रेस होगा, कंप्रेशन होगा, वो गैस का कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो अगर इसमें मैं लिक्विड कंप्रेस करता हूँ तो वो दिक्कत हो जाएगी, इसकी वाल्स और ये डैमेज हो जाएगी। तो ये सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी लाइन आए, यहाँ पे जो भी गैस आए, वो सिर्फ गैसियस फॉर्म में आए, लिक्विड फॉर्म में नहीं आए। ठीक है, ये कंप्रेसर का काम हो गया। अब फंक्शन ऑफ कंडेंसर समझते हैं। कंडेंसेशन और कंडेंसर और एवापोरेशन समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि एवापोरेशन होता क्या, कंडेंसेशन होता क्या है। उन्हीं दोनों बेसिक टर्म से आया है कंडेंसर एवापोरेटर। जो कंडेंस करता है, जो एवापोरेट करता है उसको एवापोरेटर बोलते हैं, जो कंडेंस करता है उसको कंडेंसर बोलते हैं। तो एवापोरेशन प्रोसेस ये होता है कि अगर आप एग्जांपल लेके समझते हैं कि घर में अगर पानी बॉयल कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो कि मेरा 180 होता है, उस पे मैंने बॉयल करना है पानी को। तो वाटर बॉयल होने के बाद क्या होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद वो क्या होगा कि बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, फेस चेंजेस होने लगता है। आप 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस ऑन रखेंगे तब भी वो क्या करेगा, वाटर का टेम्परेचर जो है बढ़ेगा नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस से 105, 110, 120 नहीं जाएगा, वो क्या होगा, वो कन्वर्ट होते जाएगा। जितना वाटर जो यहाँ पे प्रेजेंट है ना पहले से, वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होने जाएगा। वो डॉट 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 एक अगर उस पर कवर रख देते हैं, लीड रख देते हैं आप, तो वो डॉट ड्रॉपलेट्स में आपको दिखेंगी भी, तो वो वेपर में कन्वर्ट होते जाती हैं। आप जितना हीट दोगे उतना वो वेपर कन्वर्ट होते जाएगी। तो वेपर कन्वर्ट कैसे हो रहा है, वाटर से वेपर कन्वर्ट हो रहा है हीट देने पे, बॉइलिंग टेम्परेचर के बाद, मतलब बॉयल टेम्परेचर पहुंच गया उसके बाद वाटर से वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो ये होता है बेसिकली एवापोरेशन। और कंडेंसेशन जस्ट इसका रिवर्स, कि हमारे पास वेपर प्रेजेंट है और उसको वाटर में बनाना है, मतलब भाप हमारे पास पहले से है उसको पानी बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मुझे हीट उसे लेना पड़ेगा क्योंकि वो तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है, वो वेपर में पहले से ही है। उसमें से अगर मैं हीट ले लूँगा तो वो क्या होगा, कंडेंस कर जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं फ्रीज की। फ्रीज में समर सीजन में आपने देखा होगा कि फ्रीज में बॉटल रखते हैं और उसको जब बाहर निकालते हैं तो उसके आउटसाइड में ड्रॉपलेट्स आ जाती है, ड्रॉपलेट्स, वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाएगी। तो वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती है, बॉटल के अंदर से नहीं आती है, वो ड्रॉपलेट हमारे एयर जो एटमॉस्फेयर में एयर होते हैं सॉरी वो एटमॉस्फेयर में जो एयर होते हैं वहाँ से आती है, उनमें पहले से प्रेजेंट होती है वाटर वेपर। और वो वेपर क्या करेगी, जैसे बॉटल ठंडा है तो बॉटल ठंडा है मीन्स उसकी वो अपनी हीट दे देगी बॉटल को वो वेपर, और क्या करेगी, वो खुद कंडेंस हो जाएगी। इसीलिए आपने ड्रॉपलेट्स का मेनी टाइम्स देखा होगा, ये ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने। तो ये हो गया कंडेंसेशन। और तीसरी प्रोसेस होती है एक्सपेंशन डिवाइस। चलिए पहले समझ लेते हैं होता क्या, साइकिल कैसे होती है। इसमें हम लोग रेफ्रिजरेंट की यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेंट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसमें हम लोग एवापोरेशन और कंडेंसेशन का एडवांटेज उठाते हैं, कि एवापोरेशन कहाँ पे होना है, कंडेंसेशन, और इसी से हमें हीटिंग और कूलिंग मिलती है, हीटिंग इफेक्ट मिलती है और कूलिंग इफेक्ट मिलती है। और हमारे लिए रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में क्या इफेक्ट, हमें फ़ायदा चाहिए क्या, वो कूलिंग इफेक्ट चाहिए। तो कूलिंग इफेक्ट चाहिए होता है, इसीलिए एवापोरेशन हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये आपने बेसिक क्लास में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ से क्या होता है कि कंप्रेसर,
यहाँ पे मान लेते हैं ये क्लोज सर्किट है, पहले ये समझ लीजिए क्लोज सर्किट है, मतलब कि कहीं पे से भी ओपन नहीं है, ये गैसेस कहीं पे से भी लीकेज नहीं होगी, हर बार रिचार्ज नहीं करना होगा, एक बार जो मैंने फिल कर दिया वो सिस्टम में रन थ्रू आउट करते रहेंगे साइकिल के थ्रू, मीन्स 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे होते रहेंगे, ठीक है। तो समझते हैं कि मैंने यहाँ से गैस ये लिया, यहाँ पे गैसेस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में आया और यहाँ पे कंप्रेशन कर दिया मैंने, किसको कंप्रेशन कर दिया, रेफ्रिजरेंट को, रेफ्रिजरेंट कोई भी हो सकता है, हमारा 134 हो सकता है, R22 होता है, वो अलग अलग रेफ्रिजरेंट होती है, सिस्टम के हिसाब से डिज़ाइन होती है, ठीक है। तो ये मैंने रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, किसी भी चीज़ को आप कंप्रेस करेंगे तो उसकी प्रेशर बिल्डअप होगी, कंप्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेशर बिल्डअप, ठीक है। प्रेशर बिल्डअप कर दिए तो प्रेशर बिल्डअप के साथ एक कॉन्सिक्वेंस उनका ये होता है कि अगर आप प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं तो टेम्परेचर उसकी साथ में राइज होगी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगर बिल्डअप किया तो ये गैसियस फॉर्म में कंडेंसर में आया, कंडेंसर में आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा था और टेम्परेचर भी ज़्यादा था। अब मैंने आपको बताया कंडेंसर का काम ये होता था कि हीट को वो रिलीज़ कर देती थी एटमोसफेयर में, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पर कम है, तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ हीट फ्लो हो जाएगा मीन्स कि ये अभी तक मैंने बताया यहाँ पे गैसेस फॉर्म में आया हुआ है, गैसेस फॉर्म से अब क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होना चालू होगा, टोटली लिक्विड नहीं होगी पर लिक्विड फॉर्म में जा स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि रेफ्रिजरेंट जो है हमारा गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, पर अभी भी इसके पास प्रेशर अभी भी उतना ही है, ठीक है। अब मैं ध्यान रखना है यहाँ पे ये जो लाइन है, ये प्रोसेस जो है ये है, यहाँ से मैंने एक्सपेंशन डिवाइस में भेजा, एक्सपेंशन डिवाइस में इसलिए भेजा क्योंकि अगर मेरा लो प्रेशर पे होता है ना, लो प्रेशर पे फेस चेंजेस काफ़ी आसानी से हो जाती है, मतलब कि अगर लिक्विड से गैस बनाना है तो भी आसानी से हो जाएगी, गैस लिक्विड बनाना है तब भी आसानी से हो जाएगी। मेरा यहाँ पे लिक्विड फॉर्म आ रहा है और एक्सपेंशन डिवाइस में मैंने प्रेशर डाउन कर दिया तो क्या होगा, प्रेशर डाउन होता कैसे, एक्सपेंशन डिवाइस एक पतली सी ट्यूब होती है उसमें हमने पास करना है उसको रेफ्रिजरेंट को, तो क्या होगा लिक्विड जब पास करेंगे उससे तो वो फ्रिक्शन के वजह से वो अपनी एनर्जी तो वो उसकी जो प्रेशर है वो डाउन आ जाएगी, और इसकी क्रॉस सेक्शन काफ़ी पतली होती है, लंबी होती है क्रॉस सेक्शन एक्सपेंशन डिवाइस की, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको थ्रॉटलिंग डिवाइस भी बोलते हैं, वो अलग यूजेस है उसका, मतलब दोनों की यूजेस सेम है, अलग अलग सिस्टम में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, मैंने टोटली लिक्विड हो गई है हमारी लो प्रेशर पे लो टेम्परेचर पे, अब मैंने भेजा एवापोरेटर। एवापोरेटर होता क्या है, जैसे आप डोमेस्टिक यूज़ में आप देखते होंगे फ्रिज जो होती है, फ्रिज में एक फ्रीज़र होती है, फ्रीज़र में जहाँ पे हम आइस मेनली जमाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने कुछ भी ठंड रखना है तो वहीं पे रखेंगे, तो वो तो नॉर्मल टेम्परेचर से आपने फ्रीज़र में रखा, मीन्स उसकी टेम्परेचर ज़्यादा है, और जो फ्रिज के यहाँ पे एवापोरेटर के आसपास कॉइल होती है यहाँ पे, उसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा होता है, तो वो क्या करेगा, इसकी हीट जो आपने एवापोरेटर में सामान रखा है उसकी हीट इस ये कॉइल में चला जाएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि ये तो गैस काफ़ी ठंडा है, ये लिक्विड फॉर्म में आने के बाद काफ़ी इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वो क्या करेगा हीट इससे लेगा और फिर से सेम प्रोसेस होगा कि वो लिक्विड था, यहाँ पे लिक्विड था एंट्रेंस में रेफ्रिजरेंट, और यहाँ पे जैसे हीट लेगा तो वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल करेगा मीन्स वेपराइज हो जाएगा मीन्स गैसियस फॉर्म में हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में होगा तो ये हमारे लिए अच्छा होगा कि कंप्रेसर में आपकी गैसियस फॉर्म आएगी, इसीलिए तो पूरा का पूरा वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के फिर से कंप्रेसर में आ जाता है। यही हमारी बेसिक साइकिल होती है VCRS। VCRS में ध्यान ये रखना है कि दो मैंने बताया कि प्रेशर बिल्डअप से, मतलब कि कंप्रेसर में जो प्रेशर बिल्डअप हो रही है वो जहाँ कहाँ जाके प्रेशर रिड्यूस हो रही है, एक्सपेंशन डिवाइस में, मतलब यहाँ पे हमारा प्रेशर डाउन हो जा रहा है एक्सपेंशन डिवाइस में, तो एक्सपेंशन डिवाइस से अगर मैं पार्टिंग लाइन यहाँ से खींचता हूँ यहाँ तक, तो ये हाई प्रेशर साइड हो गया, मीन्स यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है मीन्स यहाँ से प्रेशर बिल्डअप हुआ था, यहाँ पे जाके कम हो गया, तो इसी को बोलते हैं हाई प्रेशर साइड, और इधर वाले साइड को बोलते हैं लो प्रेशर साइड, मीन्स कंप्रेसर के डिस्चार्ज से एक्सपेंशन डिवाइस तक हाई प्रेशर साइड होगी, दूसरी वाली एक्सपेंशन डिवाइस के डिस्चार्ज से कंप्रेसर के इनलेट तक वो होगी लो प्रेशर साइड। ये प्रेशर साइड, हाई प्रेशर साइड, लो प्रेशर साइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ध्यान देने वाली बात है। आई होप कि VCRS क्लियर हो गया हो, बाकी इसको डिटेल में पढ़ने के लिए अभी एक एक पार्ट और इसमें काफ़ी सारे और भी चेंजेस आते हैं तो उसको भी समझना होगा। आई होप कि अभी के लिए मैं क्लियर हूँ। थैंक यू वेरी मच।
और लिसनिंग में।